हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जो बीएससी सेकंड ईयर का आपका बॉटनी का सिलेबस है वो आपके तीन पेपर के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है एंड आपका पेपर थर्ड है। तीनों ही पेपर आपके 50-50 मार्क्स के हैं, जिसमें से जो आपका थर्ड पेपर है इसी से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं आपके उन तीन पेपर में आपका पहला पेपर कौन सा है। तो देखिए, आपका जो पहला पेपर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये आपका फर्स्ट पेपर है। नेक्स्ट सेकंड पेपर है आपका साइटोलॉजी जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपका सेकंड पेपर है। और जो आपका थर्ड पेपर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका थर्ड पेपर है। देखिए, आपके जो तीन पेपर दिए हुए हैं, इन तीन पेपर मतलब एक एक पेपर को चार चार यूनिट में बांटा गया है। पेपर फर्स्ट में भी आपकी चार यूनिट हैं, पेपर सेकंड में भी आपकी चार यूनिट हैं और पेपर थर्ड में भी आपकी चार यूनिट हैं। और इन चार यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक उन यूनिट्स में पढ़ने हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पेपर फर्स्ट से। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैंने आपको बताया आपका फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में जो आपको यूनिट हैं वो आपकी चार यूनिट में इसको डिवाइड किया गया। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है वो है आपका सिस्टमैटिक्स, यानी कि वर्गीकरण, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आवर्त बीजियों के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण। नेक्स्ट आपको इसी का वर्गीकरण पढ़ना है और आपको हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है और द्विनाम पद्धति के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। अब हम आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट पे, जो है आपकी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। तो देखिए, जो आपकी सेकेंड यूनिट है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, उसमें आपकी करीब 20-22 फैमिली हैं जिसे आपको पढ़ना है। जैसे उसमें एक बीजपत्री का वर्णन किया गया है, द्विबीजपत्री का वर्णन किया गया है, ये आपका इस यूनिट के अंतर्गत आता है। और जो फैमिली आपको पढ़नी है वो है मालवेसी, क्रूसीफेरी और आपकी रोजेसी, रैननकुलेसी और आपकी पोएसी है, लेनेसी है, पेपर वेरेसी है, एपोसाइनेसी है, ये सारी फैमिली आपकी आ जाती हैं यूनिट सेकंड। अब हम आते हैं आपकी यूनिट थर्ड। तो देखिए, जो आपकी यूनिट थर्ड है उसमें आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़नी है, यानी बाह्य एवं आंतरिक आकार की, ये है इसका हिंदी मीनिंग, जिसमें आपको जड़ पढ़ना है, तना पढ़ना है, पुष्पक्रम पढ़ना है, फल पढ़ना है, आपके टिश्यू इसी के अंतर्गत आएंगे, ये सारा कुछ आपका आएगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत। अब हम आते हैं आपकी यूनिट फोर में, जिसमें आपको पढ़ना है एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजियों का भ्रूण विज्ञान। आवर्त बीजियों के भ्रूण विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो पराकोष की संरचना और आपका मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल यानी कि बीजांड पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे और भ्रूण कोष के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपकी चारों यूनिट मैंने आपको बताई और ये भी आपको बताया कि किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट पेपर था, आपको समझ में आया होगा कि चारों यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पेपर की तरफ, जो सेकेंड पेपर हमारा है साइटोलॉजी जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके अंतर्गत क्या है यूनिट वन में,
आपका क्या है यूनिट सेकंड क्या है थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है। आइए अब हम इस पेपर में भी यूनिट को देखते हैं। तो देखिए सेकंड पेपर आपका है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग। देखिए इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इस पेपर में जो आपका दिया हुआ है वो सबसे पहले यूनिट में है आपकी साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, जिसमें आपको कोशिका की संरचना पढ़नी है, आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ना है, नेक्स्ट आपको केंद्रक पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, इसी में आपको क्रोमोसोम पढ़ना है और इसी में आपका डिवीजन भी आएगा माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अब देखिए अब हम आते हैं आपकी सेकेंड यूनिट पे। तो सेकेंड यूनिट क्या है आपकी, सेकेंड यूनिट में आपकी है हेरेडिटी यानी वंशावली। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मेंडल के वंशावली के नियम आएंगे, जैसे मेंडल ने क्या दिया था जेनेटिक्स के लॉ दिए थे वो आपके इसी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट सहलगता आएगी, इसी में आपका लिंग निर्धारण और लिंग गुणसूत्र आपको इसी यूनिट के अंदर पढ़ना है। अब आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपकी कौन सी है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, तो इसी में आपको म्यूटेशन पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका आता है एवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जैव विकास एवं पादप प्रजनन यानी जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, पादप प्रजनन की विधियां और उत्परिवर्तन प्रजनन, ये सारा आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। तो देखिए पेपर सेकंड में भी हमने आपको बताया कि यूनिट फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में क्या आएगा और आपका यूनिट फोर्थ में क्या आएगा। अब हम आते हैं आपके पेपर थर्ड में। तो देखिए जो आपका पेपर थर्ड है कौन सा है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका थर्ड पेपर है और मैंने आपको बताया ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसी से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आइए इसको भी हम देख लेते हैं कि इसको जो है इसमें कौन कौन सी यूनिट है और किस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, आइए देखते हैं। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी जो आपका थर्ड पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, मैंने आपको बताया ये आपका थर्ड पेपर है और कैसा पेपर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में देखिए इसमें भी आपकी चारों यूनिट दी हुई हैं, यूनिट वन है, टू है, थ्री है और आपकी फोर है। आइए फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। देखिए जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी जो दी हुई है कौन सी, प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप एवं जल संबंध, यानी पादपों और जो क्या कहते हैं पादप एवं जल में जो संबंध होता है वो आपको पढ़ना है, जल का अवशोषण पढ़ना है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन और खनिज पोषण, ये सब कुछ आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की तरफ यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यानी मेटाबोलिज, तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वसन और आपका रासायनिक संश्लेषण, ये सारा आपका मेटाबोलिज का जितना भी पार्ट है वो आपका यूनिट सेकेंड में आ जाएगा। अब हम आते हैं आपकी यूनिट थर्ड की तरफ। तो देखिए यूनिट थर्ड जो आपकी है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे जो आप मेटाबॉलिज यानी उपापचय और ग्रोथ जो ये दिया हुआ है ये आप यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, जिसमें आप नाइट्रोजन उपापचय, प्रोटीनों का संश्लेषण, वृद्धि गति हार्मोन, पादप गतियाँ, अनिषेक फलन, ये सब आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, अपनी यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। अब आपकी आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ देखिए कौन सी है आपकी, बायोकेमिस्ट्री की है। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे, लिपिड्स पढ़ोगे, वसा पढ़ोगे, ये सारा कुछ आएगा आपका बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आज हमने आपको जो है बताया इन तीन पेपर में कि कौन सी यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम आते हैं बुक्स की तरफ। तो देखिए सेकंड ईयर में जो बच्चे बुक मार्केट से परचेज
करना चाहते हैं वो पांडे एंड पांडे की या रस्तोगी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं। और भी बुक्स हैं आपकी, जैसे चांद है, प्रगति पब्लिकेशन है, वो भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं हम और अच्छे से पढ़ें या और अच्छे से हम नोट्स बनाएं, तो उनके लिए मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आई होप आज का जो सिलेबस मैंने आपको बीएससी सेकंड ईयर का बताया आपको समझ में आया होगा, सारे पेपर समझ में आए, सारी यूनिट समझ में आई, उन यूनिट्स में क्या टॉपिक हैं वो भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट रन पे अपना फर्स्ट पेपर लेंगे जो है डाइवर्सिटी ऑफ एनजीओज पर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।